दोस्तों, फिर हम बात करेंगे कीप 3R नेटवर्क के केपी 3R कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स का रहेंगे। 78.8 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। रीसेंट मूवमेंट के बाद से इसके प्राइस में एक अच्छा करेक्शन, एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिला है। यहाँ पर वापस से बहुत अच्छी अपोस्टें इस कॉइन में निकल के आ रही है। जो भी इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे कौन से बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। एज ए ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बना रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके। क्रिप्टो क्वेरीज, अपडेटेड लेवल सिग्नेचर होंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हो, इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 78.8 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली इस कॉइन ने 131 USD का हाई बनाया था, जो कि ऑलमोस्ट इसी लेवल से इस कॉइन ने ट्राई किया था। यहाँ से इस कॉइन ने मूव किया 70 USD के अराउंड से 131 USD का हाई बनाया और वहाँ से वापस से हमें ये कॉइन ऑलमोस्ट 45% से ज़्यादा के डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है और ये एक क्विक रिकवरी कॉइन है। अच्छी खासी फ्लक्चुएशन इस कॉइन में देखने को मिलती है और ये कॉइन आपको क्विक प्रॉफिट तो देगा ही, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में भी आपके पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट बना रहेगा। और ये कॉइन हमें पिछले 2 साल से हम लगातार इस कॉइन का एनालिसिस आपको शेयर कर रहे हैं। जब जब इस कॉइन में बहुत अच्छा लेवल रहा, हमने आपको इस कॉइन में एंट्री सजेस्ट की, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करवाया। अगर रिसेंट की ही हम बात करें तो यहाँ से हमने इस कॉइन में बहुत लोवेस्ट एरिया पर 2023 के मिड में, यानी कि सितंबर अक्टूबर के अराउंड में, इस कॉइन में हमने 45 USD और 42 USD की एंट्री सजेस्ट की थी। यहाँ से हमने इस ब्रेकआउट को ग्रेप किया, उसके बाद में वापस इस लेवल पर स्टेबिलिटी थी जो कि ऑलमोस्ट 70 USD वाला लेवल था। वहाँ पर हमने इस कॉइन में दिसंबर मंथ में, 2023 के दिसंबर मंथ में एंट्री शेयर की 70 USD और 65 की। वहाँ से इस 137 USD के ब्रेकआउट में हमने इस कॉइन को 125 और 35 तक एग्जिट किया, वहाँ प्रॉफिट हमने अच्छा जनरेट किया। और रीसेंट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली मैंने इस कॉइन में 77 और 71 की एंट्री सजेस्ट की थी। 22 मार्च का हमारा वीडियो है, पिछले महीने का आप वीडियो देखेंगे उसमें, और इस ब्रेकआउट में हमने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। पिछला वीडियो 31 मार्च को जहां पर अपडेटेड लेवल शेयर किए थे, 115 और 125 के टारगेट बताए थे, जहां इस कॉइन ने 131 को हिट किया, उसके बाद वापस मूव करके 125 तक हिट किया। तो आई होप आप हमारे पिछले वीडियोस के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करते आ रहे हैं, और अगर आपको किसी भी टाइप से हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और वापस से अगर आप देखें, वापस हमारे पास अपोस्टी है, मैं आपको बैक टू बैक क्वाइन शेयर कर रहा हूं। कल भी मैंने आपको कुछ कॉइन शेयर किए जो आज 8 से 10% के प्रॉफिट के अंदर है, और ऐसे कॉइन सजेस्ट कर रहा हूं जो आप लंबे टाइम के लिए अगर होल्ड रखेंगे। नियर कॉइन आप लंबे टाइम के होल्ड रखिए, केक कॉइन आप होल्ड रखिए, और भी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म में, यूनिस्वाप कॉइन कल मैंने आपको शेयर किया, वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है, तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए। थोड़ा सा यहाँ पर 8-10 दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहेगी और वापस मार्केट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा और वापस से हमें मार्केट के अंदर, BTC के अंदर, अल्ट्स के अंदर अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इस कॉइन में अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें डेली के अंदर, तो पिछली जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली पिछले 4-5 दिनों की, वो 80 USD के अराउंड देखने को मिली है, और यहाँ पर 75 USD वाला जो लेवल है वो एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, जहाँ पर इस डंप में इस कॉइन ने मेंटेन किया, यहाँ मेंटेन किया और अभी भी इस लेवल को मेंटेन किए हुए हैं। ऊपर की तरफ 90 USD वाला इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ प्रीवियसली सपोर्ट था, अभी इसने उस लेवल को लूज़ कर दिया, वो इस कॉइन के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, हार्डली रिजेक्शन लेवल नहीं है, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस लेवल जिसको ये कॉइन इजीली ब्रेक करेगा। उसके बाद में है 110 वाला, वो एक थोड़ा सा हार्डली रिजेक्शन लेवल है। इसके बाद में अगर वीकली के चार्ट पर जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर अच्छी खासी कैंडल्स हमें वीकली के अंदर देखने को मिल रही है, जहाँ पर वीकली में इस कॉइन ने 92 USD वाला जो लेवल है उसको पिछले वीक में एज अ सपोर्ट मेंटेन किया था, लेकिन अभी जो पिछले वीक की क्लोजिंग हुई है वो हमें 92 USD से नीचे देखने को मिली है और वो इस कॉइन के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। 70 USD वाला जो लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, जिसको इस कॉइन ने ऑलमोस्ट यहाँ जब इसने ब्रेकआउट लिया था, ये सितंबर मंथ, अक्टूबर
मंथ के अराउंड में, उसके बाद से मेंटेन किया और हमें 70 USD से ऊपर वीकली क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जिसको एक कॉइन मेंटेन करेगा, और 92 USD वाला इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। अब बात करते हैं एंट्री की, तो यहाँ आपको एंट्री 79 USD से नीचे एक कॉइन ट्रेड कर रहा है, 79 USD से नीचे आप एंट्री ले सकते हैं, एक बहुत अच्छा लेवल है। दूसरी चीज़ क्या है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है जिसमें आपके पोर्टफोलियो में 5-7% का लॉस हो जाएगा, लॉस शो हो सकता है, फिर मूव करेगा 5-7% का प्रॉफिट। तो ये मतलब 70 USD वाला जो लेवल है वहाँ तक की पॉसिबिलिटी रहेगी इस कॉइन की कि उस लेवल तक टेस्ट कर सकता है, क्योंकि 75 डेली के अंदर सपोर्ट है और वीकली के चार्ट पर हम जाते हैं तो 70 USD वहाँ सपोर्ट लेवल है। तो बिटकॉइन की फ्लक्चुएशन के साथ में जहाँ पर आप देख रहे हैं बिटकॉइन 60,000 चला गया था, 64-65 को ट्राई किया, फिर ड्रॉप हुआ 61 तक, अभी 63 पर ट्रेड कर रहा। तो ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन में आपको थोड़ा बहुत लॉस शो हो सकता है जिसमें आपको दो पार्ट में एंट्री लेनी, इसलिए आपको 79 USD फर्स्ट लेवल रहेगा जहाँ पर आपको 70% पार्ट से बाय लिमिट लगानी है, और सेकंड लेवल रहेगा 71 जहाँ पर आपको बाकी 30% पार्ट से बाय लिमिट लगानी है। इस टाइप से 70-30 के रेशो में एक बहुत अच्छे लेवल पर आप इस कॉइन को बाय करेंगे। अब यहाँ से टारगेट्स की बात करें तो क्विक मोमेंट में ये कॉइन ईजिली 90 से लेके 95-100 USD को ट्राई करेगा, जहाँ पर 90 USD वाला रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ये ब्रेक करेगा और फिर 100 USD से ऊपर ट्राई करेगा। इस लेवल पर आपको फर्स्ट टारगेट 96 USD वाला रहेगा जहाँ पर आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है, जो भी आप कॉइन बाय करेंगे उसका 60% पार्ट आपको 96 USD पर सेल करना है। सेकंड टारगेट रहेगा आपका 110 USD वाला लेवल जहां पर आपको बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। इस टाइप से 60-40 के रेशियो में आपको 96 और 110 USD पर सेल करना है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 4-6 वीक का, या फिर ये कहें कि 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक का, वो 120 से लेकर 125 USD का टारगेट रखेंगे जहाँ पर आपको 100% पार्ट सेल आउट करना है। और इस कॉइन में सिंगल डे के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है और ये कॉइन 30-40% का क्विक मोमेंट कभी भी ले लेगा, थोड़ा सा मार्केट ठीक ठाक होगा तो आपको क्विक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है, आने वाले 6 महीने 1 साल 2 साल आप होल्डर रखेंगे, बैक टू बैक आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा अगर आपने जल्दीबाजी में इस कॉइन को रीसेंट ब्रेकआउट में किसी लेवल पर बाई कर लिया है, जो कि मैंने आपको बार बार बताया कि बिल्कुल भी आपको ऊपर वाले लेवल पर बाई नहीं करना, अवॉइड करना है, फिर भी जल्दीबाजी गलतियां हो जाती है, गलतियां करते हैं नए इन्वेस्टर ट्रेडर, तो अपनी बाइंग प्राइस हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको बताएंगे क्या आपको करना है। और ऐसे जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर है जो इस टाइप के कॉइन्स में स्टक हो गए हैं या जो अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में इनरोल करें, एटलीस्ट 1 मंथ इनरोल करें, बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पर आपको सिग्नल शेयर किए जाएंगे, अपडेटेड सिलेबस और भी कई बेनिफिट्स हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।